स्वागत है आपका सॉफ्टवर्ल्ड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्विलईआरपी में प्रोडक्ट वाइज सेल्स एबीसी एनालिसिस को कैसे व्यू किया जाता है। स्विलईआरपी में प्रोडक्ट वाइज सेल्स एबीसी एनालिसिस रिपोर्ट का एक ऑप्शन है जिसमें यूजर्स प्रोडक्ट की सेल को ए बी सी कैटेगरी वाइज व्यू कर सकते हैं। इस ऑप्शन के साथ यूजर सेल्स डेटा को डिडक्ट रिटर्न, इंक्लूड पेंडिंग चालान और प्रिंट नील ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट वाइज व्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स एमआरपी, सेल रेट, परचेज रेट, कॉस्ट रेट और बिलिंग रेट का वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्विलईआरपी के रिपोर्ट्स मेन्यू से सेल्स एनालिसिस को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट वाइज से प्रोडक्ट वाइज सेल्स एबीसी एनालिसिस को सेलेक्ट करेंगे। अब फ्रॉम से टू डेट रेंज एंटर करते हैं। अब अगर आप यहाँ दिए गए ऑप्शंस के साथ डेटा व्यू करना चाहते हैं तो डिडक्ट रिटर्न, इंक्लूड पेंडिंग चालान, प्रिंट नील ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट को टिक मार्क करें। वहीं एबीसी वाइज डेटा को कैटेगराइज करेंगे, साथ ही प्रोडक्ट टैब से डेटा को सिलेक्ट और फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ वैल्यूएशन करने के लिए बिलिंग रेट, एमआरपी, सेल रेट, परचेज रेट और कॉस्ट रेट में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब व्यू बटन पर क्लिक करते हैं, साथ ही रिपोर्ट्स को चार्ट फॉर्म में व्यू करने के लिए चार्ट टैब पर क्लिक करेंगे। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स को प्रिंट एंड प्रीव्यू करने के लिए डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर प्रिंट एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। वहीं रिपोर्ट्स को एक्सेल या किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए टी बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये था स्विलईआरपी में प्रोडक्ट वाइज सेल्स एबीसी एनालिसिस को व्यू करने से जुड़ा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।